गजा में कयामत सुगरा के मनाजिर, अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील, आईसीयू के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इसराइल ने इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फौज ने अस्पतालों पर बमबारी और हमलों का सिलसिला मजीद बढ़ाकर अस्पतालों को कब्रिस्तान बना दिया। अरब मीडिया का कहना है कि गजा के सबसे बड़े अलशिफा अस्पताल के आईसीयू के तमाम मरीज दम तोड़ गए। अस्पताल के इंक्यूबेटर्स में मौजूद तमाम कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों को निकाल लिया गया, जिनमें से मजीद 5 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इसराइली फौजियों ने अस्पताल के अमले को बाहर निकालकर इंतहाई निगहदाश्त में मौजूद मरीजों और जख्मियों को मरने के लिए छोड़ दिया। मरीजों को मुंतकिल करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल-कुदस ने भी तमाम ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसराइली अफवाज की कार्रवाइयों के दौरान गजा शहर के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल में दिल के मरीजों का वार्ड मुकम्मल तबाह हो गया, जबकि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड को दूसरी बार निशाना बनाया गया है। अल-शिफा अस्पताल के अंदर ऑपरेशन के बाद के तकरीबन 600 मरीजों, 40 बच्चों और इंतहाई निगहदाश्त में मौजूद 17 अफराद के लिए पानी, बिजली, खुराक का इंतजाम नहीं है, जबकि अस्पताल में इंटरनेट तक रसाई भी बंद हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।